और लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी पर जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा अटैक हुआ वो था संविधान। इंडिया अलायंस के नेता बार बार यही कहते रहे कि मोदी को संविधान पर विश्वास नहीं है, मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, मोदी के देश के संविधान को मिटाने की इन तमाम बातों में एक तस्वीर आज सामने आई। आज ये तस्वीर हर एक व्यक्ति को देखनी चाहिए जो ये कहता है कि संविधान कोई व्यक्ति बदल देगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा वो संविधान को बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर में पहुंचे। संसद में एनडीए सदस्य दल की बैठक शुरू होने को थी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे जहां संविधान की कॉपी रखी हुई थी। नरेंद्र मोदी पहले वहां पहुंचे, उन्होंने संविधान को उठाया, सिर माथे से लगाया, फिर संविधान को प्रणाम किया। अब आप सोचिए, जो शख्स संविधान की इतनी कद्र करता है, इतना आदर करता है, वो संविधान को खत्म कैसे करेगा? और ऐसे आरोप ऐसे व्यक्ति पर कितना चिपकते हैं? मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, संविधान उस मंदिर में भगवान के समान है। तभी तो मोदी संविधान के सामने नतमस्तक थे। देवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए ये तमाम बातें, इसका मैसेज हो सकता है जनता में इस तरीके से गया हो, संविधान बदल दिया जाएगा, हो सकता है जनता ने इसलिए बीजेपी को वो 303 वाला फिगर ना दिया हो, लेकिन क्या आज ये तस्वीर विरोधियों के लिए एक जवाब हो सकती है? इसमें बहुत फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यह तस्वीर अभी आई है। इससे पहले भी आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट पहली बार जब आए थे उस समय, या पिछली बार पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आना था, उस समय हमने देखा कि संविधान को किस प्रकार से उन्होंने महत्व दिया। लेकिन अपोजिशन के हथियार की बात करें बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें सबसे बड़ा आगे भी अगले 5 सालों में आप यही देखेंगे कि कास्ट नैरेटिव और आरक्षण को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाया जाना, यही अपोजिशन का मुख्य हथियार होगा। दूसरे नंबर पर होगा भ्रष्टाचार या इस तरह के आरोप लगाया जाना, क्योंकि उनको पता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा चाहे जो भी दें चिपकता नहीं है नरेंद्र मोदी पर और उनके सरकार के ऊपर। तो उस लिहाज से कास्ट और रिजर्वेशन ये अपोजिशन का जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसे कैसे काउंटर करती है ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ मीनाक्षी, एक दिलचस्प चीज़ दिखी कि क्योंकि बीजेपी के लिए भी केंद्र में ये पहला अनुभव है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, तो आज जो संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में जो बैठक चल रही थी उसमें भी इसकी झलक बार बार दिख रही थी, इस रूप में कि जैसे पहले नारा लगवा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद फिर से दोबारा नारा लगवाया गया कि फिर एक बार एनडीए सरकार। इसके अलावा जो नेता एनडीए के मंच पे बैठे थे उनका स्वागत किया गया, फिर उसके थोड़ी देर बाद जो सामने भी एनडीए के बहुत सारे नेता थे, जैसे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं या जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं आरएलडी के, वो मंच पे नहीं थे बल्कि सामने बैठे थे, तो उन लोगों का भी अभिवादन किया गया। तो बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि अपने पूरे हाव भाव वचन क्रिया इन सारी चीज़ों में गठबंधन धर्म को ठीक तरीके से शामिल कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंत्रिमंडल को लेकर भी बता रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मंच की तरफ इशारा करके अपने साथ जो कतार में उनके लोग बैठे हुए थे सहयोगी दल के लोग, कि हम सब लोग वो तय कर लेंगे। मतलब ये मैसेजिंग साफ था कि अगली सरकार की जो रूपरेखा होगी वो बिल्कुल मिलजुल कर होगी और उसमें कोई एक व्यक्ति फैसला करने नहीं जा रहा है। तो जो चुनौतियाँ हो सकती हैं बीजेपी को बखूबी उस बात का एहसास है और उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है उसकी झलक आज भी देखने को मिली। आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की, नरेंद्र मोदी ने जहां पर इस गठबंधन में कैबिनेट के चेहरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, एक बार वो दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूं। देवेंद्र, आप देखते हैं कि इन दिनों, पिछले 2 दिन से आप टीवी पर देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा अभी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद, आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे
आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है, कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।